अंकित जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि ये जो हैकाथॉन है, इसके बारे में आप जनता को आम भाषा में समझाइए, क्योंकि जैसे ये बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मगर उनके माता पिता बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है, आप लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव लाए हैं उनके बच्चों के लिए, तो उन्हें समझाइए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या और इसका मोटिव क्या है। हैकाथॉन एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग के छात्र हो या प्रोफेशनल्स हो, उनको हम कोई समस्या देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस समस्या को आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या बाकी की कोई टेक्नोलॉजी यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन दो जो वो समस्या को सुलझा पाए। और ये सुलझाने के लिए, समस्या को सॉल्यूशन देने के लिए, उनको हम 36 घंटा, 40 घंटा, 2 दिन ऐसा समय देते हैं। तो इन प्रोफेशनल हो या इन बच्चों को कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ हैकाथॉन, वो 36 घंटे का अगर पीरियड है, तो 36 घंटे के पीरियड के बाद उनको सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है बनाया हुआ, जो एक्चुअली चले। तो ये हैकाथॉन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी भी समस्या का बहुत ही लिमिटेड समय में कुछ सॉल्यूशन ढूंढना, एक इनोवेटिव, एक नया सॉल्यूशन ढूंढना। सो अभी ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, ये उसका तीसरा साल है। पहले 2 साल में सिर्फ हम गवर्नमेंट को फोकस कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी का कहना था कि हम बच्चों को देश से जोड़े। ओके? यानी क्या कि देश की समस्याओं के ऊपर काम करें, गंगा का काम हो, रेलवेज का काम हो, ओके, रूरल डेवलपमेंट के काम हो, तो हम इन मिनिस्ट्रियों के पास जाते थे, इन मिनिस्ट्रियों के हम प्रायोरिटीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनसे आइडेंटिफाई करते कि तुम्हारे 10 प्रॉब्लम 15 प्रॉब्लम हमको बताओ जो सबसे बड़े हैं, अगर वो सॉल्व करते हैं तो आपको इजी इन गवर्नेंस भी होगा, डिलीवरी भी होगा। तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स लेते थे। तो पहले साल हमारे यहाँ हमारे साथ 28 मिनिस्ट्रीज जुड़ी, जिन्होंने हमको अबाउट 600 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी थी। इसरो भी आया था, एटॉमिक एनर्जी भी था, रोड ट्रांसपोर्ट भी था, रूरल मिनिस्ट्री भी थी, रेलवेज थी, ऐसे गंगा वाटर जैसे हमने बोला, रिजुवेनेशन उनके मिनिस्ट्री थी, तो उन्होंने दिया। तो हमने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बच्चों के साथ दे दिए और बच्चों ने 27 उसमें से जो समस्या है वो बच्चों ने सुलझाई है? और इसरो ने अभी इंप्लीमेंट भी कर दी उसमें से कुछ समस्या, उनके सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट भी कर दी। दूसरी साल में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, पहले साल तो हम सेंट्रल के पास थे, दूसरी साल में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास गए और स्टेट गवर्नमेंट, 17 स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे साथ जुड़ गए, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उन लोगों ने उनकी समस्या देना चालू कर दिया।